सहगन रघुनाथ नितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा नितांश ओम ध्यानति विरामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामं विष्णु पादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमात् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला गतिने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं परं वरेण्यं पुरुष महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामय विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमत्त चरित्राय स्वाश्रितानञ्च पालिने जीवदुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभान देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रवाहन श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये विनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भवे पादाम्जायते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमनायते गौराविभावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयतां श्रुतरूपङ्गोर्मम मन्दमते गति सर्वस्य पादाम्बजो श्रीराधा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमानरासरसारम्भे श्रीमानरासरसारम्भेवाणतटस्थितकर्षणरेणुसरेगोपीः गोपीनाथ श्रियस्तु न वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय कृष्णमूर्ति प्रजदेवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 भवनला सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी दानी बंदी से गुरु शरण कमल मृत्यु
Thank you.
निकाल दो सर, पीछे पीछे का ये क्या किसके कहते हैं हरि भजन 128 भजन अनु बोला शुद्ध भजन चरण रेणु भजन अनु बोला शुद्ध भजन चरण रेणु भजन अनु Yeah.
Yeah.
Oh,
Oh,
ज्ञानदिविरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दियवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज एकादशी कौन सा एकादशी? जय भैमी एकादशी, दो नाम है इसके। जय और भैमी भैमी कुछ भी कह सको। इसलिए कभी ये एकादशी थी, कभी जो एकादशी तिथि श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्णा बसती बसती बोली परम आदरे। मतलब है जैसे हम लोग सोमवार करते हैं किसके लिए? सूरज के लिए, शिव शिव के लिए, शिव के लिए। हाँ जी हाँ सोमवार। और मंगलवार करते हैं हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के लिए। और बुधवार करते हैं गणेश जी के लिए। बृहस्पतिवार विष्णु के लिए, लक्ष्मी के लिए करते हैं, लक्ष्मी के लिए करते हैं, विष्णु को करते हैं। इसलिए शनिवार करते हैं शनि देवता के लिए। जैसे एक एक देवताओं के लिए अलग अलग दिन में अलग अलग व्रत करते हैं कहते हैं। लेकिन ये एकादशी तिथि किसके लिए है? कहते हैं माधव तिथि। ये तिथि का नाम भगवान माधव कृष्ण इसकी अधिष्ठात्री देवता। अब जगत में तो 33 करोड़ देवता है। हाँ कितने कितने को मनाओगे? एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा। अब जगत में किसी को खुश नहीं कर सकते, जगत में किसी को भी जगत में खुश नहीं कर सकते हैं। एक समय शंकर पार्वती जा रहे थे, जब पार्वती शंकर जी जा रहे थे, वो जा रहे थे अपना बाहर किसको पर नंदी को पर बैठी गई। एक गांव आ गया, फिर देखो ये बूढ़ा बुढ़ियों को कोई अक्ल ही नहीं, एक बूढ़े बैल के ऊपर दोनों ही बैठी गए हैं। दोनों ही एक बूढ़े बैल के ऊपर बैठ करके शर्म नहीं बैल के ऊपर बैठ कर जा रहे। जब थोड़ी दूर गए इतने में शंकर पार्वती ने देखा, तुम लोग देखा क्या लोग बोल रहे थे हर गांव में कह रहे थे बूढ़े बैल को पर बूढ़ा बूढ़ी दोनों ढोकरा ढोकरी बैठी गई, कोई शर्म नहीं उनकी। अब बूढ़े बैल को पर बोले चलो हम बैल ऊपर नहीं चलते, हम पैदल चलेंगे। जब पैदल चलेंगे फिर जब दूसरे गांव आए बोले एक काम करो एक बैठता और एक पैदल चलते हैं। पार्वती को बोले बोले पार्वती तू बैठ जा स्त्री हो मैं चलते चलते जा चलता हूँ। जो एक गांव आया बोले देखो कैसे कलयुग आ गया है, कैसे मस्तानी जैसे हाँ स्त्री तो मस्तानी जैसे बैठ गए और ये बूढ़े को भगा भगा करके पैदल में चला रहे। जब वो गांव पार हो गया पार्वती ने बोला आपने सुन लिया क्या बोल रहे थे? तो मस्तानी जैसे बैल के ऊपर बैठ गई और ये बूढ़े को पीछे भगाते भगाते ले जा रहे। बोला आप बैठ जा मैं चलती।
लेकिन फिर जब तीसरा गांव आए ना, फिर तीसरे गांव में टोकने लग गए, बोले देखो बूढ़ा कैसे बैठ गया बैलगाड़ी के ऊपर, बूढ़ी को पीछे पीछे भगा से भगा के ले जा रहे। शंकर जी बोले मैं नहीं बैठूंगा, चलो पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं। फिर आया चौथा गांव आए, बोले देखो कितने बेकूफ, ऐसे बेकूफ दुनिया में कोई होंगे, बाहन रहते हुए पैदल चल रहे। शंकर पार्वती दोनों सर पकड़ कर बैठ गए, बोले हे भगवान कि जगत में किसी को खुश नहीं कर सकते हो, हाँ जो कुछ करो कुछ ना कुछ लोग कहते बोलते, इसलिए इसलिए जगत में, जगत में ऐसे 33 करोड़ देवता अभी कितने को मनाओगे बोलो, एक मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाए। लेकिन कि भगवान कृष्ण ऐसे के देवता है, कहते जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सबको सब होई, जिसको पर में ठाकुर जी की कृपा हो जाए उसको पर में सभी का कृपा हो जाता है। इसलिए बोले माधव तिथि, इसलिए ये तिथि का नाम भगवान का माधव, कृष्ण का नाम पर मा मतलब लक्ष्मी, धव मतलब लक्ष्मी का जो आश्रय है ये भगवान है। कहते ये इनका तिथि एकादशी है, अगर ये एकादशी तिथि अगर किसी ने कर लिया तो 33 करोड़ देवता इसको पर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अलग हमें किसको खुश करने का जरूरत नहीं। कहते इसको कैसे पालना करनी चाहिए, बोले जतने पालना करी, एकादशी जब तिथि आए ना बड़े बड़े प्रेम से बड़े प्रेम पूर्वक तिथि पालना करनी चाहिए। बोले प्रेम पूर्वक मतलब, बोले जैसे सत्य युग में था ध्यान तपस्या, लोग कितने कठोर तपस्या करते थे, बिना खाए पिए सर नीचा करके टांग को ऊंचा ऊपर में चारों तरफ में आग जला करके, आप देखे होंगे वाल्मीकि को सारी शरीर तो दिमक चाट लिया, ऐसे कठोर तपस्या करते थे। त्रेता युग में रोज यज्ञ करते थे रोज, और यज्ञ हो तो आग की लपट निकलती है, पास में बैठना धुआं, पास में बैठ कर सुहा 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 करना पड़ता था। द्वापर युग आया तो दिन भर ठाकुर का अर्चन पूजा में लगते थे। लेकिन बोले कलयुग में ये एकादशी, कलयुग में ये एकादशी है, और एक एक टाइम भोजन करनी चाहिए, और एकादशी का दिन पूरा के पूरा निर्जला करें, और जो तीसरे दिन टाइम से व्रत को खोले। इसलिए 3 दिन तक वो व्रत होता था, एक दिन पहले एक बार खाए, एकादशी का दिन एकदम नहीं खाए, और दूसरे दिन एक बार का पारण जिस समय हो उसमें एक बार, पहले ऐसे करते थे। लेकिन प्रभुपाद आकर के बोलिए कलयुग का जीव है, अगर कुछ भोजन नहीं करेंगे कुछ खाएंगे नहीं बहाना बना देंगे हम, तो लोग होते थे ना हैं, कोई कोई क्या करते, मंदिर में छोटे छोटे बच्चे आते थे, फिर देखो आज मेरे साथ में रात भर हम कीर्तन करेंगे जागेंगे, इसलिए तुमको मूंगफली खिलाऊंगा, उस लोग मूंगफली उससे मूंगफली भी कीमती था, बोले मूंगफली खिलाऊंगा, 1 लाख समय को नष्ट नहीं करके इधर उधर बात नहीं करके हैं, क्योंकि एकादशी का दिन एक माला करो कहते 100 माला करने का फल मिलता है एकादशी का दिन, क्यों आज का अधिष्ठात्री देवता साक्षात जगन्नाथ जी कृष्ण बड़े दयालु कृपालु हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए आज का दिन रोज रोज जितने माला करते हैं आज का दिन ज्यादा माला कर लो, बस 1 लाख कर लिया तो लखपति बन गए। भगवान कहते हैं ना जो लखपति बनेगा उसको घर में भजन करते हैं, इसलिए अगर 1 लाख हरिनाम कर लिया ठाकुर खुश हो जाएंगे, फिर हमारा जो एकादश जो इंद्रियां है इधर उधर भगेगा नहीं, इसलिए मोबाइल मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना आज का दिन है, इसलिए मोबाइल भी चक्कर में नहीं पड़कर क्या करो भगवान की नाम जप करो, हरिनाम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए बोले जतने पालन करे, बोले क्यों, बोले कृष्ण बसती बसती, बोले बोले एकादशी में विशेषत्व क्या है, बोले कृष्णा बसती मतलब आज के दिन एकादशी में ठाकुर जी का निवास है, इसलिए क्या करो परम आदरे बरी, मतलब परम जतन को साथ में एकादशी व्रत हमें पालन करनी चाहिए। आज का दिन थोड़ा सिंसियर होकर के इधर उधर समय को नहीं गमाते हुए ज्यादा से ज्यादा भगवान की भजन करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद का एक शिष्य कहते थे, देखो वो कहते थे जो एकादशी दिन है ना कि जो सिंसियर साधक है और एक एकादश से लेकर के दूसरे एकादशी तक वो देखता है अपना भजन में मैंने कितना एडवांस हुआ है, अपना भजन नीचे उतरा ना हमारी भजन ऊपर में उतर गया है। कभी एकादशी का दिन जो है ये भक्ति को विचार करने का दिन है, है? इसको भक्ति को विचार करने का दिन है। ऐसे नहीं पहले एकादशी में जितना था आज एकादशी का दिन हम ज्यादा विषय की चिंता विषय की बात दुनिया की बात में तो समय नहीं गवाया, अपना समय को बर्बाद तो नहीं हमने बिताई, समय को हमने सही सही बिताई कि नहीं। इसलिए एकादशी का दिन ये जांच का दिन वो कहते थे, हैं? फिर और क्या कहते थे, जो व्यक्ति चाहता है एक जीवन में भगवत प्राप्ति हो, एक जीवन में भगवत प्राप्ति हो उनको क्या करनी चाहिए, देखो बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले सोने से पहले की डायरी रखो, एक डायरी रख करके इस डायरी में सोने से पहले लिखो, जैसे भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज उन्होंने जीवन में क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला, वो डायरी जब खोले कि कौन सा दिन ठाकुर का क्या अनुभूति हुई, ठाकुर ने क्या स्वप्न दिया, उनके जीवन में क्या बीता उससे पता चला, बामन गोस्वामी महाराज वो डायरी से सबको पता चला, हमारे गुरुदेव रोज रोज क्या क्या करते थे नहीं करते थे उससे पता चला है। इसलिए सोने से पहले लिखो आज हमने कितने बजे उठे, आज हमने कितना हरिनाम किया, कितना सेवा किया, कितने समय हमारी बकवास में इधर उधर बात करते हुए कितना समय हमारी गया है। आज का दिन अगर किसी हमारी जो बेख्याल में हैं अगर हमारे समय कहीं इधर उधर चला गया तो फिर दूसरे दिन कोशिश करके नहीं, कल इतना समय हमारी बर्बाद गया था आज वो समय को हम बर्बाद होने नहीं देंगे, वो चेक करेंगे, चेक करते हुए हम क्या करेंगे भगवान का नाम कीर्तन सेवा ठाकुर जी का करेंगे। वो कहते थे प्रभुपाद का शिष्य अगर एक जीवन अगर ऐसे करो ना, वो बोलते थे एक जीवन में भगवत प्राप्ति तुम्हें मिल जाएगी, एक जीवन में भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिंसियर होकर के है, सिंसियर हो जाता है, नहीं कल समय हमारे बर्बाद गया था आज का समय हम बर्बाद नहीं जाने देंगे, इस समय हरिनाम कीर्तन भजन हम करेंगे, कद एक जीवन में भगवत प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी अगर हम सिंसियर रूप में अगर ऐसे साधन भजन करें तो, ठीक है। इसलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन सेवा भगवान में लगी रहनी चाहिए, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी हैं, कहते नारद जी कहते दक्ष प्रजापति बच्चों को कितना प्रश्न किया था, 10 प्रश्न है, कितना कल हम कितना प्रश्न सुना थे, कहते हम लोग ने कल हमने 5 प्रश्न सुना था, ये उनके 6वां प्रश्न है, कहते ऐसे कौन सा गृह है जो गृह 25 तत्व से बना हुआ, बाकी कौन सा ऐसे दर्पण है, दर्पण समझते हो आईना है शीशा है, कहते जो 25 तत्व से जो ये बना हुआ है ऐसे कौन सा गृह है, कहते हमारी ये शरीर है, हमारे शरीर 25 तत्व से ये हमारे घर बना हुआ है। इसलिए कहते जो 25 तत्व है उसमें क्या क्या है, कहते इसमें पंच महाभूत है, पंच महाभूत, महाभूत मतलब खेती आप तेज मर्द गम पंच महाभूत, और उसमें 10 इंद्रिया हैं, पंच ज्ञानेंद्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, कहते ये 10 इंद्रिया और उसमें पंच तन्मात्र और प्रकृति महतत्व अहंकार और ये मन और ये जीव हैं, कहते ये मिल करके ये क्या है, कहते ये हमारे जो संपूर्ण शरीर ये 25 तत्व से ये घर हमारी बनी हुई है, मन बुद्धि हाँ प्रकृति महत अहंकार जीव और ये मन, कहते ये 25 तत्व का ये घर है। उनका जो 7वां जो क्वेश्चन है, कहते ऐसे कौन सा, कहते विचित्र कथा युक्त हंस, विचित्र कथा युक्त हंस, ऐसे कौन सा हंस जो बड़े विचित्र विचित्र बात करता है, ऐसे कौन सा हंस है,
तो यहाँ पर कहते हैं वो जो हंस है इसका तात्पर्य है ऐश्वर्यम ईश्वर प्रतिवाचक शास्त्र, कहते जिसमें जिस ग्रंथ में भगवान को स्थापन की गई, जिस ग्रंथ में भगवान को स्थापन की गई ऐसे जो प्रतिपाद को जो शास्त्र है हैं यही ये हंस है। कहते विचित्र क्या बात करता है यह हंस, विचित्र क्या बात करता है, कहते क्या विचित्र बात करता है, ये विचित्र बात करता है जीव ऐसे कौन सा कर्म करता है जीव ये संसार का बंधन को प्राप्त करता और संसार में आकर के बड़े दुख कष्ट को भोग करता है। लेकिन और विचित्र क्या बात करता है, कहते ऐसे कौन सा कर्म जीव करे जो कि जीव ये भव सागर से पार होकर के भगवान तक पहुंच जाए। इसलिए कहते ये विचित्र बात करता है, कहते बंध और मुक्ति की बात ये शास्त्र कहता है। कहते जिसमें विचित्र कथा युक्त तो बोला है या छे, कहते हंस या हंस क्यों बताए, जैसे हंस को जब हम दूध देते हैं आप देखना क्या करता है, वो दूध दूध को तो पी लेता है और पानी पानी को हंस छोड़ देता है उसका। तो उसी तरह ये जीव को क्या करनी चाहिए, अपना जीवन में दूध दूध को तो ग्रहण कर लो, मतलब शास्त्र के अच्छे अच्छे बात तो ग्रहण कर लो और क्या करो गंदी गंदी बात को छोड़ देनी चाहिए है, इसलिए छोड़ देनी चाहिए। गतरूप चित्त और जड़ेर पार्थक्य ज्ञापक बोलिए हंस दुख तो यह, कहते भैया वो क्या चीज है, हैं कहते ये क्या चीज है, पानी पानी ग्रहण करना और जल जल को छोड़ देना ये क्या है। कहते जो चीत कहते जरूर चीत वो जड़ेर पार्थक्य है, जैसे चीत क्या है ज्ञान स्वरूप क्या और जड़ क्या है, कहते जड़ जड़ क्या है और ये चीत वस्तु क्या है, कहते जिस चीज को हम जान सके है। इसलिए अतः मोक्षर निमित्त ईश्वर की भजना करा यही भावार्थ, कहते इसका मतलब क्या है, कहते इसका मतलब है हमें ऐसे कौन सा काम करनी चाहिए जिसको द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो जाए और हमें ऐसे कौन सा काम नहीं करनी चाहिए जो कि संसार का बंधन का प्राप्त हो। इसलिए जिसको कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जना निकाल, मतलब है भक्ति की जो प्रतिकूल वस्तु हो ऐसे बात मत देखो, ऐसे बात मत कहा करो, ऐसे बात को मत सुना करो। और ये जो स्मार्टफोन है ना हमारे पास में स्मार्टफोन, ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे ज्यादा प्रतिकूल, ये स्मार्टफोन सबसे बड़ा प्रतिकूल अगर है, अगर हमें भक्ति से कोई विमुख कर सकता है ना, ये स्मार्टफोन है, ये सबसे बड़ा काल, ये स्मार्टफोन ही काल है, हैं काल। एक चीज दिखने के लिए जाओ हजार चीज उसमें निकलती है, हैं हजार चीज निकलती। मेरे को एक भक्त ने बोला, मैंने कहा भागवत कथा इससे पढ़ करके देख कर सीखो, बोले गुरु जी आपको क्या पता है आप तो देखते नहीं जानते, हम तो निकालते हैं कहीं भागवत कथा, लेकिन वो भागवत क्या निकले उसमें और कुछ कुछ निकल जाती है और उसको देखते देखते जो असली चीज हम सोचते हैं देखने के लिए वो तो चले जाता है, बस अब नकली चीज में हम लग जाते हैं, हैं नकली चीज में हम लग जाते हैं। इसलिए ये स्मार्टफोन है ना ये काल है, ये हमें एक दिन लेकर नरक में लेकर डुबो देगा एक दिन, हैं क्योंकि हम जो देखेंगे ना, हम जो चीज देखेंगे हमारा दिमाग वही चीज सोचेगा। अगर हम जैसे अजामिल कितने बड़ी ज्ञानी थे, कितने सद्गुण था, पिता माता की सेवा करने वाले, लेकिन उसको पतन कैसे हुआ, एक बार अपने गलती चीज को देख लिया, केवल एक बार गलती चीज को देख लिया तो अपना चित्र को संभाल नहीं पाया, फिर व्यस्यानुसार रहना शुरू कर दिया। कहती है आप इतने दुष्ट है ना, हम जो कुछ आंखों से देखेंगे वही हृदय चिंता, हमारी चिंता वही करेगा, जो चीज हम देखेंगे वही चिंता नहीं करेगा। इसलिए स्मार्टफोन से हमें दूर रहते हुए हैं, जितना कर जरूरत है सेवा के लिए थोड़ी सेवा के लिए प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उससे हमें दूर रहनी चाहिए। अब उससे हमें दूर रह करके क्या करनी चाहिए, प्रतिकूल वस्तु को छोड़ करके केवल भक्ति के अनुकूल वस्तु को ग्रहण करते हुए हंस बनो, विचित्र हंस शास्त्र है। पानी को छोड़ो और दूध को ग्रहण करो, दूध को
ग्रहण करनी चाहिए। और भागवत का पंचम स्कंध में बताया, जो व्यक्ति इन आंखों से गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं, मरने का बाद जब नर्क जाते हैं ना, जिंदा जिंदा आंख उसको निकाल दी जाती, आंख उसको निकाल दी जाती। बोले भगवान तुमने आंख क्यों दिया? भगवान को देखने के लिए ना, और ये आंखों से उल्टा पुल्टा तुमने चीज देखी है। हाँ, इसलिए साधु सावधान, खैर कहीं कहीं अवधान। इसलिए कहते साधु सावधान, किसको सावधान कर रहे? साधु को ही सावधान कर रहे। इसलिए सावधान होकर के अपना भजन साधन करो, नहीं तो गड्ढे में डाल देगा। इसलिए इनकी जो 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 आठवां जो प्रश्न है, हैं, जो आठवां जो प्रश्न है, कहते हैं ऐसे कौन सा खूर, खूर समझते हो जिसमें ये करते हैं, सभी करते हैं ना, जो खूर से सभी कर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उस्तरा उस्तरा। और जो इसको बोलते जो खूर होता है ना, जिसमें पहले सभी करते थे पहले, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उस्तरा। कहते ऐसे खूर जो वज्र जैसे, जैसे ब्लेड होता है ना, कहते ये वज्र जैसे तीक्ष्ण और स्वयं भ्रमशील एक चक्र, कहते ऐसे कौन सा चक्र है जो अपने आप जो चक्र घूमती हैं, और जो कैसे एकदम ब्लेड जैसे, ब्लेड है ना, जैसे सभी करते ब्लेड में अगर थोड़ी सी इधर उधर होता है कि काट देता है, ये काट देता है, ऐसे कौन सा चक्र जो वज्र तुल्य, अब जो चक्र कोई नहीं घुमाते हैं, वो चक्र अपने आप घूमती हैं, बताओ ये क्या है? एक चक्र, कद इसका तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य है कद ये काल चक्र है, ये वज्र तुल्य। वज्र तुल्य मतलब क्या? कहते ना मुझे वज्र गिरा, कहते ना वज्रपात हुआ, वज्र गिरा, हाँ बिजली गिरी कहती है ना, कहते उसी तरह जो काल चक्र है ना, कहती ये कैसे है? खूर जैसे, खूर मतलब ब्लेड जैसे, कहते वज्र जैसे तीक्ष्ण और सर्वदा भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करते हुए क्या कर रहा है? ये चक्र को कहीं नहीं घुमाते हैं, ये सबको काट रहा है, सबको ये काट रहा है ये चक्र। हम कह रहे थे हमारा लाला 10 साल का हो गया है, नहीं तो हम कितना साल जानते हो, मोज में हाथ लगा कर 50 साल के हो गए हम। कभी अभिमान कहते ना, बोले 50 साल तो नहीं हो गए, तुम्हारी 50 साल खत्म हो गया, तुम्हारी 50 साल खत्म हो गया, तुम्हारी ये बड़े नहीं हो रहे, हम सबके साथ छोटे हो रहे हैं। इसलिए कहते बड़े तीक्ष्ण ये हर समय भ्रमण करता है और जीव को संहार करता रहता है, जीव को संहार करता है। इसलिए कद भ्रमण से बल भ्रमी अर्थात समस्त जगत के जन्म मरना आदि द्वारा इतस्तत, कद ये क्या करता है? जीव को जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक आदि को प्राप्त कराता है ये चक्र, कभी स्वर्ग में ले जाता है, कभी नरक में ले जाता है, और जन्म मृत्यु दुख कष्ट को ये भोगा करा भोग कराता है, विनाश करता है, हैं? इसलिए मृत्यु मुख में इसको हर जीव को ये मृत्यु को तरफ में धीरे 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 ले जाता है। इसलिए क्या करनी चाहिए? तब यहाँ कह रहे ऐसे कौन सा काम हम करें जिसको द्वारा ये काल चक्र हमारा परमात्मा को नष्ट नहीं कर सकते? तो यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति केवल भगवान की भजन करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, ठाकुर को सेवा करते हैं, ठाकुर जी के भक्ति ग्रंथ करते हैं, केवल उनका ही समय नष्ट नहीं होता है, वो काल चक्र दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? काल किसको डरता है? भक्तों को डरता है। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास है, इसलिए काल को सब डरते हैं लेकिन भक्त को काल स्वयं डरता है। बोले क्यों डरता है? जो काल का जो काल है ना वो भगवान है। जब हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर का नाम जप कर रहे हो, ठाकुर का कीर्तन करते हो, काल का प्रभाव वहां नहीं पड़ता है। काल का प्रभाव क्यों? काल देखते हैं भैया हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, मेरे स्वामी का कथा सुन रहा है, मेरे प्रभु का कीर्तन कर रहा है, भैया हम तो यहाँ नहीं रह सकते। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको परमाय को ये काल चक्र हर समय खंडन करता रहता है। इसलिए क्या करो? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते नवमा प्रश्न है, सर्वज्ञ पिता कौन है? सर्वज्ञ पिता
कौन है जो सब जानता है, ऐसे पिता कौन है। हाँ, तब नारद जी कह रहे हैं जो सर्वज्ञ जो पिता सब कुछ जानता है, पहले उनको आदेश तो समझो, उनका आदेश क्या है, हैं? उनका आदेश नहीं जान करके अगर कोई व्यक्ति ये संसार का पिता कोई पिता मान ले, जगत का माता जी को ही माता मान ले, जगत का परिवार को परिवार मान ले, लेकिन है, लेकिन ये शरीर का पिता माता है। और कब तक? बोले जब तक जीवन है, उसके बाद में खत्म। कर सकल जन्म सभी पिता माता पाए, बोले हर जीवन जब एक बार होता है नए नए पिता, अभी इसी जीवन में एक पिता माता, अगले जीवन में फिर और एक पिता माता, उसके बाद में और एक पिता माता, ये तो हमारी बदलती रहती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कहते जो असली जो हमारे जन्म जन्मांतर का जो पिता माता है, हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते हैं, बोले बच्चों जब हम इंसान का जीवन लेते हैं वो भी हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, लेकिन जब विष्ठा का कीड़े बन जाते हैं ना तब भी वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में रहते हैं, वो किसको नहीं छोड़ता है, किसी जीवन को हमें नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर जीवन में एक एक नए नए पिता माता बदलाते हैं, इसलिए कहते हैं इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, हे अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, इसलिए तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो यथार्थ हमारे जो पिता है जो जन्म जन्मांतर का पिता है कहते उनका आदेश किया है, इसलिए जब तक उनका आदेश को तुम पालन नहीं करोगे फिर तो अगर इसी जगत का पिता माता का आदेश को अगर तुम सोच दोगे, कोई बोलेगा नहीं, जैसे हमारे जितने सब बच्चे अक्सर कर साधु बन जाते हैं ना, लेकिन जगत का पिता माता तो बोलते नहीं, तो मैं तुमको जन्म दिया तुम मेरे सेवा छोड़ कर कहाँ जाओगे, पिता माता सेवा से कोई बड़ा सेवा है क्या, कोई कहते ना पिता माता का सेवा सबसे बड़ी सेवा है, हैं, हमारा आदेश नहीं पालन किया और तुम ठाकुर को सेवा करने के लिए चले गए, इसलिए तुम्हारी उद्धार नहीं होगा, तुम्हारी कल्याण नहीं होगा, कभी कभी बोल देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भैया ये तो शरीर का पिता माता है, तो हर जीवन में नए नए पिता माता मिलता रहता है, हैं, लेकिन जो असली जो पिता माता ठाकुर जी है, इसलिए कहते उनका आदेश किया है, बोलो क्या आदेश उनका है, बोलो कि कौन बोलेगा। हाँ, इसलिए इस श्लोक को याद करना, क्या स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चिता सर्वे विधि निषेधा सुरते रेवो की तरह, इसका मतलब है वो भगवान का एक ही आदेश है और एक निषेध है, उनका एक ही आदेश और एक निषेध है, आदेश क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हर समय उनको याद रखें, हर समय उनको हर काम में जब सेवा करते हो किसकी सेवा कर रहे हो, ठाकुर की सेवा कर रहे हो, रसोई बना रहे हो ठाकुर जी के लिए, झाड़ू लगा रहे हो भगवान के मंदिर में, शरीर स्नान कर रहे हो पवित्र होकर उनको सेवा करेंगे, इसलिए हर समय क्या करो उनको भूलो मत, जो कुछ करते हो उसको साथ में ठाकुर जी को जोड़ दो, जो कुछ करते उनके लिए कर रहे हैं। निषेध क्या है कि मना क्या करते हैं, कभी उनको भूलो मत, कभी उनकी भूलना नहीं, हर समय याद करो और उनको कभी बोले जैन तेन प्रकार मन कृष्ण निवेश, किसी तरह से भगवान में अपना मन को लगा देनी चाहिए, ठाकुर के चरण में लगनी चाहिए, इसलिए जब तक उनका आदेश को तुम पालन नहीं करते हो हैं तब तक जीव का कल्याण नहीं। सूत्रा में शास्त्र तात्पर्य के प्रतिकूल आदेश कार्य दक्ष प्रति अभाव हेतु तार अज्ञाय अपार न तुम्हारे कौन प्रतिभा हो, अभी वो कहेंगे ना भैया हमारे तो पिताजी कौन दक्ष प्रजापति, उन्होंने तो किसी लिए भेजा, पढ़ाई छुड़ाई करो करके घर गृहस्थी करो, वो तो इसलिए भेजा जे घर गृहस्थी करने के लिए संसार को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर तो नारद जी जैसे गुरु मिल गए हैं, नारद जी जैसे जब गुरु मिल गए सबके सब उन्हें पकड़ बाबा बना दिए, उनको सब साधु बना दिया, इसलिए अगर कोई बोलेगा फिर तो उनका आदेश पालन किया है दक्ष प्रजापति का, फिर क्योंकि पाप नहीं होगा, नहीं कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि जो परम पिता जो परमेश्वर भगवान है हम उनकी सेवा के लिए उनकी भक्ति के लिए हम जा रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं। हाँ, तख्यर से एक जब उन्होंने ये सब बात को बताया ना
तहार यथार्थ आदेश की दसम क्वेश्चन, उसका वास्तव आदेश क्या है, किसकी, भगवान की, यथार्थ आदेश क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज, तुम मेरे चरण में सर्वस्व रूप में तुम मेरे शरण में आ जा, आ जाने पर अगर वो बोलेगे तुम्हारे की जो पाप है नहीं, सारे पाप से मैं तुम्हें को मुक्त करा दूंगा, इसलिए कहते मन मना भव, इसलिए मन और किसी को मत दिया करो, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। कहते सर्वगुह्यतम, जितने गोपनीय में भी जो सर्वश्रेष्ठ गोपनीय बात, कृष्ण कहते अर्जुन चूंकि तुम मेरे सखा हो इसलिए मैं तेरे को गोपनीय से भी गोपनीय जो बात तेरे को बता रहा हूं, मैं केवल मुझे भक्त केवल मेरा ही भक्त करो, पूजा केवल मेरी पूजा करो, नमस्कार केवल मुझे नमस्कार करो, बोले करने से क्या होगा, बोले माम ऐसे से तू मेरे को प्राप्त करोगे, बोले तेरे को पाने से क्या होगा, बोले जत गत्व न निवर्तते, जहां जाने से कभी संसार में नहीं आओगे, जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए खत्म, तुम्हारे संसार में आना नहीं पड़ेगा, इसलिए कहिए भगवान की यही यथार्थ आदेश भगवान की। जब उन्होंने इस बात को बोले ना तो बोले ठीक है अभी तू जाओ घर गृहस्थी कर, बोले गुरुदेव इतने सारे बात समझने का बाद में फिर कहते हो घर गृहस्थी फंसने के लिए, हम तो चाहते हैं आप भगवान की भक्ति करने के लिए चाहते हैं, ये जीवन दुर्लभ जीवन है, 84 लाख जन्म के बाद में मिला, हम चाहते हैं भगवान की भजन करते हुए हैं अपना परलोक को सुधार लें, इसलिए भजन करने के लिए। लेकिन उन्होंने और एक बात कहते हैं, लेकिन ये बात तो हम समझ गए, लेकिन जब तक हम किसी साधु का कृपा नहीं होगा ना, जब तक किसी महापुरुष का कृपा नहीं होगा, ये सब कुछ जानने पर भी कुछ नहीं होता है, जानने पर भी कुछ नहीं होगा जब तक कोई संत महापुरुष का कृपा नहीं होगा, इसलिए गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो। नारद सबको सर पर हाथ रखे, हे नारद जैसे साधु का जो आशीर्वाद मिला ना, ये सब के सब क्या हो गए, सब के सब भगवान की भजन में लग गए, ठाकुर जी की भक्ति में लग गए। अभी ये दक्ष प्रजापति, उसका नाम दक्ष है, दक्ष मतलब संसार घर गृहस्थ में दक्ष है, इसलिए उन्होंने जब सुना बोले खुद का घर का कोई ठिकाना नहीं है, और इस मेरे सारे 10,000 बच्चों को भीख मंगावर ना दिया है, खुद भी कोई ठीक नहीं, भीख मंगावर बच्चों को सारे भीख मंगा बना दिया, दक्ष प्रजा तो बड़ा दुखी हुए। फिर 10,000 बच्चों को फिर उन्होंने सृष्टि किया, सृष्टि करके फिर पढ़ाई के लिए भेजे, जब भेजे तब उनका जो पढ़ाई खत्म हो गया, बोले क्या आदेश है, बोले देखो बड़े भाई जो काम करते हैं छोटे भाई को तो वही काम करनी चाहिए ना, बड़े भाई जो काम करते हैं छोटे भाई को तो उसको अनुसरण करनी चाहिए है, बड़े भाई अपना भजन भगवान भक्ति करते हुए अपना मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, इसलिए तुम्हारे भी कर्तव्य क्या है, तुम्हारे भी कर्तव्य भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के भजन करते हुए ये जीवन को सार्थक बनना, तुम्हारे भी तो बड़े जो काम करते छोटे तो वही काम करते हैं, उन्होंने भी सबके साथ साध। दक्ष प्रजापति को जो पता चला ये बात है ना, इतना क्रोधित हो गए, बोले सारे मेरे बच्चे को भीख मंगा बना दिए, साधु बना दिए, बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूं हैं, एक मुहूर्त से ज्यादा समय कहीं तुम टिक नहीं सकते हो, कहीं एक जगह टिकोगे तब तो किसको बुद्धि बिगाड़ोगे ना हैं, सबको बुद्धि बिगाड़ोगे, एक जगह पर कहीं टिक नहीं सकते हो। नारद तो आनंद से वीणा बजा बजा करके नारद नाचने लगे, बोले क्यों, बोले तेरे को क्या पता संतों की संतों में कितने शक्ति, तुम्हें को क्या पता है, अब तो एक जगह में रह करके भगवान की भक्ति की बात में उपदेश देता था, सबको भजन की बात बोलता था, अभी जहां जाऊंगा वहीं पर ही भगवान की भक्ति की बात उपदेश दूंगा, जहां जाऊंगा सबको भगवान की भजन की बात बताऊंगा बस, क्योंकि कहते तुलया लबे ना अभी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संग समर्थ्या नाम किमता शिष्य। जीवन में अगर एक लव सत्संग हो जाए, बोले एक लव कितना है, कहते एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं, हैं जिसको कहते हैं ना एक घड़ी आदि से पुण्य आर तुलसी सत्संग तमिनासे कोटी अपराध है, पर तुमको क्या पता संतों को शरीर में कितने शक्ति है, अभी जहां जाऊंगा सबको भजन की बात बताऊंगा बस, सबको भजन में लगाऊंगा। नारद तो
खूब नाचे। लेकिन निका जो अभिशाप है सब जगह में लागू होता था, लेकिन एक जगह पर लागू नहीं होता था। बोले कहाँ पर? बोले द्वारका में। द्वारका में बोले क्यों? द्वारका में क्यों लागू नहीं होता था? कारण है जो द्वारका है ना, ये भगवान की बाहु को द्वारा, भगवान द्वारका ठाकुर का धाम है ना, उनका बाहु को द्वारा, भगवान के हाथ को द्वारा सुरक्षित था। ठाकुर का वरद हस्त आशीर्वाद था द्वारका में। भगवान का धाम है ना, ठाकुर जी रहते हैं ना, इसलिए दक्ष प्रजापति का अभिशाप वहाँ कोई काम नहीं करता था। इसलिए नारद जी की जब इच्छा होती थी एक जगह पर कहीं रुके ना, बस ठाकुर के पास में चले जाते थे, ठाकुर का दर्शन, ठाकुर का कीर्तन, ठाकुर का भजन और ठाकुर का धाम में निवास करते थे नारद जी। ऐसे ही श्री नारद जी उनको ऐसे कूट प्रश्न करते हुए सबको उन्होंने भगवान की भजन में लगा दिया। बोले श्री नारद बाबा की बच्चा कल गर्भस्थ कृपा सुनि भाई बच्चा पिता नाम पावने भो वैष्णव भो और ग्रहण दे। आज के प्रोग्राम है हम लोग ना यहाँ पर 9 बजे निकल जाएंगे और चल